भारतीय सेना की ताकत को लगातार धार देने के साथ ही इसे बूस्टर डोज भी दिया जा रहा। सेना के तीनों अंगों को ताकतवर बनाने के मिशन के तहत दिसंबर 2022 में ही DAC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,328 करोड़ रुपए के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिससे तीनों सेना को हल्के टैंक से लेकर एंटी शिप मिसाइल और गाइडेड बम मुहैया कराए जाएंगे। तवांग में चीन से तनाव के बीच भारतीय जवानों को मॉडर्न और घातक हथियार मुहैया कराया जाएगा, जिससे वो दुश्मन को आसानी से घुटने पर ला सकें। रक्षा अधिग्रहण परिषद के 24 प्रस्ताव में इंडियन आर्मी के लिए 6, एयरफोर्स के लिए 6, इंडियन नेवी के लिए 10 और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 24 प्रस्ताव शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि DAC ने इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट, जुरावर टैंक, माउंटेड गन सिस्टम समेत कई हथियारों के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 354 जुरावर लाइट टैंक, 300 माउंटेन होल्सर, 65 ड्रोन, भविष्य के पैदल सेना के लड़ाकू विमानों के प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चीन के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की गई। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट जुरावर पर काम तेज कर दिया। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन किया है। ये टैंक महज 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकेगा। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से भी ज्यादा वजनी है, जिन्हें LAC पर पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट जुरावर के तहत करीब 25 टन के लाइट टैंक होंगे। भारत की चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर मौजूद है, यहाँ सेना के लिए चुनौतियाँ काफी बड़ी है। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती है, ताकि माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल की जा सके। बता दें, रक्षा अधिग्रहण परिषद के प्रस्ताव में आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया गया है। सेना के लिए प्रस्तावित 84,328 करोड़ रुपए की राशि का 97% खरीद स्वदेशी कंपनियों को होगा, जिससे मेक इन इंडिया मिशन को ताकत मिलेगी। 84,328 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव में 82,127 करोड़ यानी करीब 97% के 21 प्रस्तावों की खरीद स्वदेशी कंपनियों से किए जाने का अहम फैसला किया गया है। भारतीय वायुसेना को नई रेंज वाली मिसाइल प्रणाली, लंबी दूरी वाले बम और उन्नत निगरानी प्रणाली मुहैया कराई जाएगी। इससे एयरफोर्स और मजबूत होगी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नई जनरेशन के गश्ती जहाज खरीदे जाएंगे। नौसेना के लिए एंटी शिप मिसाइल, ऑटोनोमस व्हीकल खरीदे जाएंगे। वही वायुसेना की नई श्रेणी की मिसाइलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लंबी दूरी के गाइडेड बम, मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम और दूसरे हथियार खरीदे जाएंगे। खैर, भारत की तैयारियों से साफ है कि दुश्मन चाहे जिस भी मोर्चे पर साजिश करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत की सुरक्षा को वो भेद नहीं पाएगा। साथ ही अगर पानी सिर से ऊपर हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देने में भी पीछे नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत का।